नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। जेपीएससी एक बार फिर देगा अभ्यर्थियों के आरोपों का जवाब। सीएम व जेपीएससी अध्यक्ष से ली जाएगी जानकारी। राज्यपाल से परीक्षा रद्द करने की मांग। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जेपीएससी ने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों द्वारा पीटी परीक्षा व रिजल्ट पर लगाए गए आरोपों का एक बार फिर स्थिति स्पष्ट करने का निर्णय लिया गया है। यह दूसरी बार होगा जब आयोग अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मिलकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी की जानकारी देते हुए कई सबूत भी सौंपे। साथ ही राज्यपाल से परीक्षा रद्द करने की मांग भी की है। राज्यपाल ने अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है और साथ ही इस मामले में सीएम व जेपीएससी अध्यक्ष से जानकारी लेने की बात कही है। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को बताया कि इस रिजल्ट में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 148 अंक लाकर पास हो गए, जबकि सामान्य वर्ग का कट ऑफ 260 अंक है। एसटी वर्ग के अभ्यर्थी 128 अंक लाकर पास हो गए, जबकि कट ऑफ 230 अंक है। वहीं कई अभ्यर्थी कट ऑफ से ज्यादा अंक लाकर भी फेल हो गए हैं। इस बीच आयोग ने सीरियल नंबर से उत्तीर्ण राज्य के 2 केंद्र के 57 अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट, कार्बन कॉपी, पहचान पत्र, एडमिट कार्ड के साथ बुलाया है। इधर जेपीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2021 तक तय की गई है। अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से कहा कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।